अच्छा, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इसमें बता रहा है कि ए इज इक्वल टू 2357 एंड बी इज इक्वल टू 13579 एंड यू इज इक्वल टू 123 अप टू 10। अब हमने वेरीफाई देन वेरीफाई द फॉलोइंग, हमने इनको वेरीफाई करना है। तो एक बात आप लोग याद रख लें, हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डिमॉर्गन, राइट, डिमॉर्गन। और उसने कुछ लॉज पेश किए, कुछ कवानीन उसने पेश किए, तो उसको बोलते हैं डिमॉर्गन लॉज, ठीक है। उसने पहला कानून ये बता दिया कि अगर हम किसी भी दो सेट्स का यूनियन ले लें और फिर उस यूनियन का जो आंसर आए उस पर कॉम्प्लीमेंट ले लें, यूनियन है उससे जो आंसर आए उस पर कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो ये किसके बराबर, किस चीज़ के बराबर होगा? ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, ए का अलहदा कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देख ले, उसने ये बताया कि अगर दो सेट्स का यूनियन लिया जाए जिसका जो आंसर आए उस आंसर पर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा कि अगर हम ए पर जो है ना, ए पर बी कॉम्प्लीमेंट ले लें, बी पर बी कॉम्प्लीमेंट ले लें, उनका इंटरसेक्शन ले लें, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और ये हम अब साबित भी करेंगे इन क्वेश्चंस में। दूसरी लॉ उसने ये पेश की कि अगर हम कोई सी दो सेट्स ले लें ए और बी, उनका इंटरसेक्शन ले लें, यहाँ पर हमने यूनियन लिया था, यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लेते और उनका, उसके जो आंसर आए उनका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो ये बराबर होता है हम इनके हर एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन में चेंज होता है। तो ये दोनों लॉज एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इस एग्जाम में 100% चांसेस है इसका, ठीक है, इसको याद रख ले। और एमसीक्यूज भी इससे बनाए जा सकते हैं, ये पार्ट एमसीक्यूज में होता है और ये पार्ट नहीं होता ब्लैंक्स में, तो फिर ये पार्ट आप उसको टेक कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए भी याद रख ले, याद करना आसान है। अगर इस साइड पे यूनियन हो तो उस साइड पे इंटरसेक्शन होगा, अगर इस साइड पे इंटरसेक्शन हो तो दूसरे साइड पे यूनियन होगा। इस पर इन दोनों के ऊपर सी है, यहाँ पर हर एक के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर हर एक के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों लॉज उसने पेश किए, ये दो कवानीन हैं सेट्स में, और हम इनको अब साबित करेंगे कि किस तरह ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये इसके बारे में है और फिर दूसरा पार्ट बी इसके बारे में। तो इनके नाम्स भी याद रखें, डिमॉर्गन एक साइंटिस्ट था, उसने ये कानून पेश किया था, ये दो कानून उसने पेश किए थे और इनको हम अभी साबित भी करेंगे, ठीक है। अब हम साबित करते हैं कि ये पार्ट इसके बराबर है, तो हम अब लिखते हैं वेरीफिकेशन। इसका वेरीफिकेशन मतलब तस्दीक हम करेंगे, हम सही इन दोनों को साबित करेंगे कि ये दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड्स को हल करेंगे, दोनों से एक ही आंसर आएगा, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमने मालूम करना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसको मालूम करने से पहले ये अंदर का जो है ये मालूम करना पड़ता है, ए इंटरसेक्शन बी, तब जाके हम कॉम्प्लीमेंट इसके बाद मालूम कर सकते हैं। पहले हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट को बाद में देख लेंगे, ठीक है, ये अंदर वाला फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ए लिखते, ए सेट पहले लिखते हैं 2357, 235 और 7, ए सेट पहले लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन डालना है, फिर लिखना है बी सेट 13579, 13579, ठीक है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन किस तरह आएगा, आइए देख लेते। तो इनका इंटरसेक्शन आएगा भाई यहाँ पर, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट हम उठाते हैं जो दोनों में मौजूद है। फॉर एग्जांपल थ्री दोनों में मौजूद है तो थ्री उठा लिया, अच्छा फाइव दोनों में मौजूद है तो फाइव उठा लिया, और सेवन भी दोनों में मौजूद है तो सेवन भी उठा लिया। तो ये तीनों एलिमेंट्स फाइव, 357, 357, ये दोनों में मौजूद है तो ये इसके इंटरसेक्शन में आ गए, ठीक है। अब हम इस तरह करेंगे कि ये इंटरसेक्शन तो हमने फाइंड कर लिया, अब इस पर कॉम्प्लीमेंट भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब आपको याद हो, जब हम किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो यू से ए को माइनस कर देते हैं,
बी का कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो इससे बी को माइनस करते थे। जब आप ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो यू से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे ना, वही सेट माइनस करेंगे, ये सेट इस यू से माइनस करेंगे तो इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट जब मालूम करते हैं तो यू से यही सेट हमने माइनस करना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने यू से माइनस किया, तो पहले हमने यू सेट लिखना है। यू सेट यहाँ पर है, 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3 अप टू 10, फिर माइनस, ज़रा अजीब सा लिख दिया, फिर माइनस बीच में लिख दिया, उसके बाद ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ है ना, इंटरसेक्शन बी का आंसर तो ये आ गया था, तो इसकी जगह हमने लिखना है 3, 5, 7, ये सेट लिखना है 3, 5 एंड 7। ठीक है, अब इससे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स है, लेकिन इससे ये नंबर्स हमने निकालने हैं। ठीक है, 3, 5 और 7 इससे निकालने हैं। तो 1 हम लिखते हैं, फिर 2, 3 तो निकल गया, 4, 5 भी निकल गया, 6, 7 भी निकल गया, 8, 9, 10 तो ये वो नंबर्स है जिसमें ये हमने निकाल दिया, बाकी 1 से लेकर 10 तक है लेकिन ये इसमें नहीं है। 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये तो एक साइड आ गया। अब हम दूसरे साइड पे जाते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये साइड है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर इन दोनों का यूनियन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम यू से ए को सबट्रैक्ट करते हैं ना, तो पहले यू सेट लिख ले, यू सेट 1 से लेकर 10 तक है, फिर माइनस, ये ए सेट लिख ले, तो ए सेट यहाँ पर है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 एंड 7। तो जब U से ये एलिमेंट्स निकाल देते, 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे लेकिन ये एलिमेंट्स बीच में नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2, 3, 5, 7 तो हम लिखेंगे 1, 2 नहीं लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लिखेंगे, 8, 9 और 10। तो ये मैंने 1 से लेकर 10 तक लिख दिए लेकिन ये नंबर्स बीच में से हमने माइनस करने हैं, ये नंबर नहीं लिखने हैं, 2, 3, 5, 6। तो ये तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट हम लिख लेते, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन, यू से बी को माइनस करना है। ठीक है, तो यू लिख लेते 1, 2, 3, फिर आगे तक जाते 10, फिर माइनस, बी का सेट इससे सब्ट्रैक्ट करना है, बी यहाँ पर है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो इससे ये निकाल लेते, 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे लेकिन ये नंबर इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 निकाल दिया, 2 बाकी बच गया, 3 निकाल दिया, 3 के बाद 4, 5 निकाल दिया, 6, 7 निकाल दिया, 8, 9 निकाल दिया, 10। तो 1 से लेकर 10 तक है लेकिन ये नंबर्स बीच में नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो जवाब बिल्कुल इसी तरह आएगा। ठीक है, हमने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब मैंने ये लिख दिया, पहले ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट यही है 1, 4, 6, 8, 9, 10, फिर यूनियन लिखना है, और बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखना है, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट यही है। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है ना, ये 2, 4, 6, 8 और 10। अब इनका आंसर जो आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इनको अब इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर यूनियन है। ठीक है, उनको इकट्ठा करने जा रहे, तो यहाँ पर हम 1 यहाँ से 2 यहाँ से इस तरह उठाएंगे, 1, 2 यूनियन में हम दोनों के लिखते हैं ना, और तरतीब से बना देते, 1, 2 और फिर 3 नहीं है, 4 तो है 4, फिर 5 नहीं है 6 तो है 6 और 8, 9 और 10।
तो ये आ गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनिट दिख रहा। अब इस सेट को और इस सेट को देख ले, 1 2 4 6 8 9 10, 1 2 4 6 8 9 10, मतलब दोनों ये ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है, ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है, तो दोनों बराबर आ गए। इससे ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बराबर आ गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर। तो जब ये और ये बराबर आ गया, तो इसके बाद जगह मेरे पास नहीं है, मैं ऊपर लिखूंगा कि मेरे पास मैंने हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, और हमने साबित कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, हमने देखा ना। तो प्रोसेस जब हमने किया तो इसका जो आंसर आया था वो आया था ये, ठीक है, ये वाला। फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स का आंसर यही आ गया। अब इसको और उसको देखे तो दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों साइड्स बराबर आ गए, तो हमने साबित कर दिया। हम लास्ट में लिखेंगे कि वेरीफाई कर दिया हमने, हिंस बस हमने वेरीफाई कर दिया। अच्छा, अब हम आगे पार्ट बी पे, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने साबित करना है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने ये वेरीफाई करना है, तो आंसर में मैं लिखता हूँ वेरीफिकेशन, ठीक है, मैं वेरीफिकेशन लिखता हूँ। और इसके बाद हम इसमें दो साइड्स है, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड्स को हम हल करेंगे, जवाब एक ही आता है, ठीक है। जब एक जवाब आ गया तो हम बोल सकते हैं कि दोनों बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हम इसमें ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। तो पहले कौन सा सेट लिखना है, ए सेट लिखना है। ए सेट में क्या है, 2 3 5 7, फिर यूनियन साइन डालना है। फिर बी सेट लिखना है, बी सेट यहाँ पर है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 and 9। तो अब इनका आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट्स को उठाते हैं और तरतीब से लिखते हैं, 1 इससे उठा लिया, 2 इससे, फिर 3 तरतीब लगाते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें नहीं है, 5 है, 5 6 नहीं है, 7 है और 9 भी है। तो इनके दोनों के एलिमेंट्स मैंने उठा लिए, सिर्फ दो दफ़ा जो आया है, लाइक 5 5 3 3, दो दो दफ़ा आए, सिर्फ एक ही दफ़ा मैंने लिख दिया। तो ये यूनियन हुआ। जब यूनियन हमने फाइंड कर लिया, तो अब फाइंड करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब हम किसी से फॉर एग्ज़ाम्पल बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो यू माइनस बी लिखते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो यू माइनस सी लिखते हैं। जब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो हम लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यू से वही सेट सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यू से ये सेट सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यू से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही सेट ए यूनियन बी का सेट यू से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ए यूनियन बी, ये कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर नहीं, सिर्फ ये सेट सब्ट्रैक्ट करना। तो अब हमने इक्वल में लिखना है, यू पहले लिखना है, तो ये यू यही है, यू है 1 से लेकर 10 तक, फिर बीच में माइनस, फिर ए यूनियन बी लिखना है। तो ए यूनियन बी का आंसर ये आ गया था ना, तो ये लिखेंगे इसे यहाँ पर 1 से लेकर 1 2 3 5 7 and 9। अब हमने आंसर में क्या लिखना है, आंसर में हम 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे, लेकिन ये एलिमेंट्स इसमें से निकाल देंगे, यू से इसके एलिमेंट्स निकाल देंगे, ठीक है। तो 1 इसमें 1 है, इससे 1 निकल गया, इस तरह इसमें 2 है, इससे इसमें यहाँ पर 2 है, तो 2 इससे निकल गया, यहाँ पर 3 है तो 3 इससे निकल गया, इस तरह, ठीक है। तो 3 इसमें 4 नहीं है तो 4 आएगा, 4 इससे बाकी बच गए, फिर 5 वहाँ पर तो है, 5 नहीं लिख सकते, 6 7 वहाँ पर है निकाल दिया, 7 8 9 वहाँ पर है निकाल दिया, 10। तो ये 1 से लेकर 10 तक है, लेकिन ये बीच में से मैंने ये निकाली, हमने सिर्फ 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखने हैं, लेकिन
बीच में से ये नंबर्स निकालने हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3 भी नहीं है, फिर 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 9 भी नहीं। तो ये हमारे पास आ गया जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक साइड तो हमने हल कर दिया, अब हम दूसरे साइड पे आते हैं, ये राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू से ए को सबट्रैक्ट करें तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा ना। तो यू से पहले लिखना है 1, 2, 3 अप टू 10, ये यू सेट है। फिर माइनस, फिर ए सेट लिखना है, ए सेट यहाँ पर है 2, 3, 5, 7। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इससे इसके एलिमेंट निकाल दें। 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे लेकिन ये एलिमेंट्स निकाल देंगे बीच में से। तो 1 लिख दिया, 2 निकाल दिया, फिर 3 भी निकाल दिया, 4 लिख दिया, 5 निकाल दिया, 6 लिख दिया, 7 निकाल दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 9 और फिर 10। तो भाई ये हमारे पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करते हैं बी का। तो यू से बी को माइनस करें तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकल आ जाएगा। यू पहले लिखते थे, यू हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू 10 तक है। फिर माइनस, फिर ये बी सेट हम निकाल लेते हैं, बी सेट यहाँ पर मौजूद है 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। तो इससे ये निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। तो 1 से लेकर 10 तक लिखना है लेकिन ये नंबर्स बीच में से निकालने हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो 1 निकाल दिया, 2 बाकी बच गया, 3 निकाल दिया, 4 बच गया, 5 निकाल दिया, 6 बच गया, 7 निकाल दिया, 8 बच गया और फिर 9 निकाल दिया, 10 बच गया। तो ये जो आंसर आया ये बराबर है बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, दोनों हमने मालूम कर दिया। तो दोनों जब मालूम हुए अब इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। हम सीधा इनका इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, जब ये दोनों मालूम हो जाए तब इंटरसेक्शन ले सकते। अब हम इंटरसेक्शन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखना है, वो यही है 1, 4, 6, 8, 9, 10 1, 4, 6, 8, 9 एंड 10। फिर इंटरसेक्शन बीच में डाल दें। फिर बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखना है, वो यही है 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8 और 10। अब इनका आंसर इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट हम उठाते हैं जो दोनों में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल 4 दोनों में मौजूद है तो 4 उठा लिया, ठीक है। 6 दोनों में है तो 6 उठा लिया, 8 दोनों में है तो 8 भी लगा लिया और 10 भी दोनों में है तो 10 भी लगा लिया। तो ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एक तो ये आ गया और दूसरा यही है। तो दोनों को देख ले, इसको और इसको देख ले, दोनों बराबर है ना, 4, 6, 8, 10 4, 6, 8, 10। तो हमने साबित कर दिया कि ये साइड इस साइड के बराबर आ गया। तो ये इसके बाद जगह नहीं, मैं वहाँ पर लिखूँगा कि लेफ़्ट साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। हमने साबित कर दिया कि ए या फिर से यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और हमने वेरीफाई भी कर दिया, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड। तो ये दोनों लास्ट जो है पार्ट ए में और पार्ट बी में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, ठीक है।